तो हम चलते चलते आगे हैं जी इस फोर्ट के सबसे किनारे पर, और यहाँ से व्यू देख सकते हैं जी कितना प्यारा व्यू है। यहाँ से हम लोगों को जाना है नीचे जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग जी उधर से आ गए हैं चलते 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 यहाँ पर ठीक समुद्र के किनारे। तो यहाँ पर जी ले लिया जम के फोटो, वहाँ जो पीछे देख रहे हैं घोसला। 9 दिन की ट्रिप के बाद अब फाइनली अपने घर जा रहे हैं, और अब मन कर रहा है कि कितनी जल्दी अपने घर पहुँच जाए। फ्लाइट में बैठ चुके हैं और क्रैंस जो है कर रहे हैं। बस साथ ही शुरू हो गया अपना। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी, स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो हम लोग जाने वाले हैं जी आज एक नए स्पॉट पर जो कि है काबा दी रामा फोर्ट। तो हम लोग जो है अभी तक बीच बीच ही घूम रहे थे, सोचा कि बीच से जो है थोड़ा सा अलग घुमा जाए गोवा में। तो हम लोग चल रहे हैं जी उस फोर्ट पर, और क्रियांश फिलहाल सोया हुआ है, अच्छा है सोते सोते वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपका नज़ारा बहुत खूबसूरत है, और लगता है हिल स्टेशन आ गए हम लोग, बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग पहुंच गए जी काबा डी रामा फोर्ट के पास, और लग गई है बहुत ही तेज भूख। सुबह में जो है बस नाश्ता ही किया था, और खाने के टाइम में वहां से निकल के आ गए थे, तो कुछ भी खाना हुआ नहीं है। तो सोचा कि यहां पर पहले से कुछ पेट पूजा कर ली जाए, उसके बाद अच्छे से घूम पाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज है और भूखे पेट चलेंगे बिल्कुल तो हालत खराब हो जाएगी। अच्छा है कि कुछ पेट में ले लिया जाए तो चलेंगे। और क्रियांश भी घर से सोता सोता पहुंच गया यहाँ पर, अभी तक उठा ही नहीं रहा, अभी उठा यहाँ आकर के जगह है क्रियांश। 20 मिनट्स लेटर। तो हम लोग का जी नाश्ता पानी हो गया, और उसके बाद चल रहे हैं यहाँ से फोर्ट के पास। तो हम चलते चलते आगे हैं जी इस फोर्ट के सबसे किनारे पर, और यहाँ से व्यू देख सकते हैं जी कितना प्यारा व्यू है। बहुत लोग नीचे सब भी जा रहे हैं, तो हम लोग भी एक एक करके चलेंगे, और फिलहाल यहाँ से मैं आपको नजारा दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोगों को जाना है नीचे जो कि बहुत डिफिकल्ट है। तो इधर से रास्ता कुछ ऐसा है जी, हम लोग वहां से चढ़ के आए हैं, दिखाते हैं आपको जूम करके। वो देख रहे हैं छोटा सा गुफा जैसा, उधर से हम लोग निकल करके आए हुए हैं, और यहाँ से फिर हम लोगों को जाना है नीचे, और नीचे भी लग रहा है अच्छा खासा जाना है, वहाँ बीच के पास जाना है सीधा किनारे पर। तो चलते हैं कि करके मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, वहाँ पहुँच के आप लोगों से बातचीत करता हूँ। तो हम लोग जी उधर से आ गए हैं चलते 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 यहाँ पर ठीक समुद्र के किनारे, और देख रहे यहाँ पर बहुत सारी बोट भी चल रही है, हो सकता है कि कोई ट्रिप भी लगता हो, कोई टूर भी लगता हो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ सामने से जो पानी को देख रहे हैं पत्थर में टकराते हुए, बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है। और इस जगह का नाम भी रखा है द पेबल्स पॉइंट। तो अच्छा है जी, हम लोग आ गए हैं, और क्रियांश के साथ आना था तो थोड़ा रिस्की था, तो संभल संभल के हम लोग आए बहुत ही, और उस समय जो कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया जब हम लोग उधर से उतर रहे थे। पहले सेफ्टी जरूरी है, बाद में फोटो वीडियो तो चलता ही रहेगा, कब हिलने लगेगा पता नहीं चलता, कोई ठीक नहीं है, इनका बदमाशी कर रही है। काबा डी रामा फोर्ट को घूमने के बाद जी हम लोग आ गए हैं काबा डी रामा बीच के पास, और यहाँ पर एक जो है बहुत ही पॉपुलर फोटो पॉइंट है, जिसको हम जो रील पर अक्सर देखा करते थे जब से गोवा आए हैं, वहाँ रील जो है लगातार चल रहा था हमारी फीड में। तो हम लोग सोचे कि वहाँ पर जा करके एक बार देख लिया जाए कि आखिर कैसा है वह। बाली में ठीक ऐसा ही एक रहता है एक स्पॉट, वो शायद इससे भी थोड़ा बड़ा रहता है, लेकिन एक अच्छा लुक दिया है ये भी, और इसका भी पानी जो है पीछे ब्लू ब्लू है, और इस तरह का नेस्ट बना हुआ है, सही है ये, चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है जी नो ड्रोन जोन, तो यहाँ कोई ड्रोन शॉट नहीं लेना है, तो यहाँ का जो ड्रोन व्यू आपको नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ से जो भी चीज़ दिखा सकते हैं आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है जी यहाँ से, ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ से, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जी अच्छा खासा पार्किंग स्पॉट है, अच्छी खासी गाड़ी यहाँ पर आ सकती है। A few moments later. तो यहाँ पर जी ले लिया जम के फोटो, वहाँ जो पीछे देख रहे हैं घोसला, उस घोसले में जो है जिया ने खूब पोज दिया है, जम के पोज दिया है, और सभी लोगों को नहीं है।
फ्री है, फ्री है तो फ्री ऑफ कॉस्ट लीजिए। और बहुत ज्यादा नंबर लगा रहता है वहाँ फोटो खिंचवाने के लिए। अच्छी बात ये है कि अभी धूप था तो उतने ज्यादा लोग थे नहीं। जैसे ही सनसेट का समय होगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे यहाँ पर वो मोमेंट कैप्चर करने के लिए। और ठीक लग रहा है, घोसला के पास ही सनसेट होगा। हम लोग जा रहे हैं घर, बहुत एंजॉय किया। आज तो गोवा के सारे बीच तो घूम लिए थी और बीच घूमने के बाद अब बारी हो गई है घर जाने की। तो लगभग हम लोगों का 9 दिन का यह ट्रिप रहा और बहुत मजा आया गोवा में। गोवा सच में जी बहुत ही खूबसूरत जगह है, अच्छा खासा घूमे और बहुत सारा जगह रह भी किया है। तो गोवा ने जो है कुछ चीज वहाँ की छोड़ दिया है हम लोगों के लिए, ये फिर से आप आइए और जो भी बचा खुचा जगह है वह जाकर के घूमिए। और क्रियांश फिलहाल अभी तक तो रूम से यहाँ तक आने तक सोया हुआ था, जैसे गाड़ी रुक गई उठ गया। तो कोई बात नहीं, आप चलते हैं, चल करके अपना चेक इन भी करते हैं और बोर्डिंग पास सब भी अभी तक लिया नहीं है तो चलते हैं। आ चुके हैं अंदर क्रियांश। क्रियांश बहुत खुश है। अगर जो भी वहाँ अंकल सिक्योरिटी में थे उन सभी को देख के क्रियांश एकदम खूब हंस रहा था, हाई कर रहा था। वो सभी हाई कर रहे थे, ये भी हाई कर रहा है। पूछी जरा मम्मा को, ये डांस देखे डांस। 20 minutes later. तो हम लोगों ने जी अपना बोर्डिंग पास ले लिया, सिक्योरिटी चेक भी हो गया, बस इंतजार कर रहे हैं बोर्डिंग करने का। और बोर्डिंग का टाइम जो है ठीक अभी से 1 घंटे बाद है, तो 1 घंटे का समय है हम लोगों के पास यहाँ बैठने का। तो यहाँ बैठ करके अपना समय बिता रहे हैं और क्रियांश अपना इधर उधर भाग रहा है, भाग के फिर आता है बैठते हैं, अपना थोड़ा बहुत कार्टून देख लेता है, फिर भाग जाता है इधर उधर। कार्टून बंद नहीं होना चाहिए, देखता कार्टून बंद होना चाहिए। क्या क्या करना है तुमको, कितना देखता है कार्टून। One hour later. फ्लाइट में बैठ चुके हैं और क्रियांश जो है कर रहे हैं। बस साथ ही शुरू हो गया अपना, वो जो ऊपर का जो फैन है उसको जैसे ऑफ कर रहे हैं, तब ये भी खुद भी ऑफ करेगा। ये इसने देख लिया ऑफ करते हुए, तो अब इसको भी कर सिक्योरिटी चेक इन से भी जी यहाँ गुजर गए और अब जा रहे हैं सीधा हम लोग अपने बोर्डिंग गेट के पास। वहाँ पर जाकर के जो है थोड़ा बैठेंगे, वहाँ पर देखा था एक चेयर सब भी जो है यहाँ काफ़ी अच्छा था बैठने के लिए, सोफा टाइप का, तो वहाँ पर जो है पैर फैला करके आराम से लेट जाएंगे। और क्रियांश बस सोने दे, बस शर्त ये है, हाँ दो शर्त है, एक खाली मिल जाए और क्रियांश सोने दे। तो फाइनली हम लोग जी उतर गए हैं बागडोगरा रेलवे स्टेशन में और इंतजार कर रहे हैं ट्रेन के आने का। और ट्रेन के आने में जो है अभी 1.5 घंटा का समय है, तो हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं और कुछ खाना पीना देख रहे हैं, अगर आसपास कुछ मिलेगा तो चल करके खा लेंगे और जिया के लिए लेते भी आएंगे। और क्रियांश को गोद में रखा हुआ है क्योंकि क्रियांश घूम रहा है इधर से उधर, और यहाँ पर जो है कोई बाउंड्री है नहीं इस साइड, उसके गिरने का थोड़ा सा जो है खतरा है उधर, क्योंकि उस साइड गड्ढा है पटरी के साइड, उसको साथ में लेकर के घूम रहे हैं। तो चलते हैं दुकान लेकर के चलते हैं, ये भी घूम लेगा अपना। 9 दिन की ट्रिप के बाद अब फाइनली अपने घर जा रहे हैं और अब मन कर रहा है कि कितनी जल्दी अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि अब जो है बहुत ज़्यादा थक गए हैं ट्रिप में। हर दिन लगभग 60-70 किलोमीटर उतना तो रनिंग हुआ ही है, और वो भी बाइक से हुआ था रनिंग, तो अच्छा खासा हम लोगों का जो है हैरेसमेंट हो गया था। जल्दी से बस अब घर पहुंचना है जी, घर पहुंचना है और अपने जो बेड है उस पर जा करके कंबल टर्न करके आराम से जो है सो जाना है। वैसे सोचे थे कि यहाँ पर जो है थोड़ा ठंड होगा, लेकिन यहाँ भी मौसम जो है थोड़ा हमको नॉर्मल ही लग रहा है। देख रहे शर्ट में घूम रहे हैं यहाँ पर और ऊपर से पसीना भी चल रहा है। तो टेम्परेचर पूछ रहे हैं यहाँ पर कि बागडोगरा में कैसा है, पता है कि शाम 6 बजे तक तो कुछ भी नहीं रहता है, नॉर्मल ही रहता है। क्या हो रहा है जी, इस बार ठंड क्यों नहीं आ रहा है? तो फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं और और बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं। सुबह के जो 2 बजे निकले थे, अभी बज रहे हैं रात के 9:40। तो हम लोग जो है 9:40 में पहुंचे हैं, अच्छा खासा घंटा हो गया, लगभग 12, 7, 19 घंटा का लगभग सफर हो गया है। और अब जाते हैं, मम्मी खाना भी बना करके रखी होगी, बहुत दिन से घर का खाना भी नहीं खाए और चल करके खाना मम्मी के हाथ का नहीं खाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो चलते हैं। और हम ये करते हैं बेडशीट चेंज, कि 10 दिन हो गया बेडशीट चेंज करना पड़ेगा। और ये हमारा विंडो,